हेलो दोस्तों, फिल्मी बातें विद सनी में आपका स्वागत है। फिल्में से जुड़ी अपडेट पाने के लिए फिल्मी बातें विद सनी को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के एक्शन स्टार सनी देओल की अपकमिंग एंड मोस्ट अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म गदर 2 के बारे में। गदर 2 के शानदार सफलता के बाद से ही सनी देओल इन दिनों बैक टू बैक फिल्मों में व्यस्त हैं। गदर के सीक्वल के बाद सनी देओल अपनी ही एक दमदार फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो सनी अपने सुपरहिट फिल्म घातक को भी एक फ्रेंचाइजी का रूप देना चाहते हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सनी देओल और मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी एक बार फिर से साथ काम करने को तैयार हैं। तथा 1996 में आई सनी देओल की सुपरहिट फिल्म घातक का रीमेक बनाने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि फिल्म के इस रीमेक पर सनी देओल और राजकुमार संतोषी लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहीं घातक 2 की बात करें तो सनी देओल को इस सीक्वल के लिए अच्छी कहानी मिल गई है। यह एक धमाकेदार एक्शन फिल्म होगी जिसमें मुख्य किरदार खुद सनी ही निभाएंगे। हालांकि स्टार कास्ट को लेकर कुछ अपडेट नहीं दी गई है। फिलहाल फिल्म की स्क्रिप्ट को दमदार बनाने की तैयारी चल रही है। वेल, इस मूवी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। फिल्मों से जुड़ी इसी तरह का अपडेट पाने के लिए फिल्मी बातें विद सनी को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखें।